काफ़ी अच्छी पहल है। और आप लोग सब लोगों को पता है कि जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। और ये मौका जो है आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात ये है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। और सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल उठाते हैं कौन क्या है नहीं है, लेकिन कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे प्रशासनिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका सामाजिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें अगर आप लोग मिलाकर के देखें तो कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज़्यादा जो है अनुभवी हैं, प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में। जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से संवाद लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे, क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। और वाकई में ये कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है। और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पे चुनाव हो। आज देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की चीज़ों से लोग जो है परेशान है। किसान की अलग समस्याएं हैं, मजदूर की अलग समस्याएं हैं, और सारे मुद्दों को लेकर के देश की जनता चाहती है कि इन विषयों पे चुनाव हो। और देश की जनता ये भी देख रही है कि जो लोग टकरार कराते हैं, समाज में जहर बोते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है। सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, मिलकर के रहते हैं, तभी ये देश महान कहलाता। तो उसको लेकर के जो सब लोग हम लोग अपनी बात को जो है बैठक में रखेंगे, सब दल के लोग आने और सबको अपना मौका मिलेगा अपनी बात को रखने। जब बिहार में सत्ता में नहीं थे तब से आप ये जो एकता की बात कर रहे हैं कि जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक इन ताकतों को हम नहीं हरा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं सूत्रधार जो है ये कह सकते हैं कि लालू जी और आप इसके लिए आगे बढ़े थे। तो आज जब इस मुहिम अंतिम मुहिम पे आप लोग आ चुके हैं, ये बैठक हो रही है, तो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये लोग मोदी जी के डर से एक साथ आ रहे हैं। यानी कि कोई डर नहीं है, किस बात का डर? अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक हैं? हम सब लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, तो हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें? और जब एनडीए थी तो एनडीए पता है कितने दलों का गठबंधन था, तो क्या वो किसी के डर से इतने लोगों के साथ साथ मिलकर के एनडीए बनाए थे? तो ये बेकार की बातें हैं। सही मुद्दा क्या है? आज जिस हिसाब से तानाशाही देश में चल रही है, अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार से लागू है, आज कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोदी जी से ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो अगर वो बातें अगर देखा जाए तो किसी का हम लोगों को भय किस बात का है? किसी बात का डर नहीं है। और हम लोग चाहते हैं देश का संविधान और लोकतंत्र बचे। और जिस प्रकार से देश का इतिहास को बदलने में ये लोग लगे हुए हैं, सब लोग जान रहे हैं, नाम बदल देते हैं फलना चीज़ का, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई शहर हो या कोई स्कीम हो, अब बदल के क्या फ़ायदा हो रहा है देश को, तो ये भी बता दें। 2000 का नोट लाते हैं या फिर बंद कर देते हैं, या दोनों में जो है मास्टर स्ट्रोक कहलाता है, तो ये ताजुब की बात है ना। इतने सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, इनको एक साथ नहीं, करना। नहीं, सबका एक मानना है, सब लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और सब लोग चाहते हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और ये जितने लोग हैं जो आ रहे हैं कोर्ट
कोई भी मीडिया द्वारा निर्मित नेता नहीं है, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। कुछ हैं मीडिया द्वारा निर्मित नेता, लेकिन जो लोगों की बैठक हो रही है वो सीधे लोग जो हैं, जनता से संवाद करने वाले लोग हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि जिस तरीके का आपने इनिशिएटिव लिया है, बिहार से आप लोगों ने लिया है, तो आगे इसके परिणाम क्या होंगे? नहीं नहीं, किसी बात का डर किस बात का होना चाहिए? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करेंगे। और हम लोग का इतिहास देख लीजिए तो हम लोग कभी डरे हैं क्या इन सब छोटी चीज़ों से? सांच को आज किस बात का? सच के लिए, देश हित के लिए अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या? अंतिम सवाल तेजस्वी जी, कि विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि ठीक है बैठक तो आप बुला रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आप लोग के पास चेहरा कौन है? तो आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी तो पहला बैठक है, लोग बैठेंगे। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कई अनुभवी नेता विपक्ष में लोग हैं, चाहे मोदी जी से आप एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बात कीजिए, आप सामाजिक रूप में बात कीजिए, या राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बात कीजिए, आप बताइए हैं कि नहीं है? सब लोग हैं, ज़्यादातर लोग मोदी जी से ज़्यादा। मोदी जी ठीक हैं, आए हैं, अपना वो भी अपना कर रहे हैं जो करना है उनको, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि देश को कितना नुकसान हो रहा है, केवल RSS के एजेंडे पे लोग चल रहे हैं।